दोस्तों वैसे तो महाभारत और कृष्णा लीला के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो सुनने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन हम आज बात करेंगे कालियानाग और कृष्णा जी के कहानी के बारे में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों कालियानाग पत्थर का बन गया था भगवान श्री कृष्ण जी के एक श्राप के कारण। आपको बता दें कि यमुना में जहरीला कालियानाग रहता था, वो इतना जहरीला था कि उसके कारण यमुना का पानी भी जहरीला हो गया था। इससे जहद गाँव के वासियों को यमुना का पानी इस्तेमाल करने में डर लगता था और यमुना के पानी से कई जानवरों की मृत्यु भी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण गेम लेने के बहाने यमुना में कूद गए थे और कालियानाग से युद्ध किया। श्री कृष्ण ने कालियानाग को युद्ध में हराया और उस वृंदावन छोड़कर जाने का आदेश दिया। आज भी मौजूद है पत्थर का कालियानाग। मान्यता है कि भगवान ने कालियानाग से कहा था कि जाते समय वे पीछे मुड़कर ना देखे और अगर पीछे मुड़कर देखता है तो वह पत्थर का हो जाएगा। भगवान के आदेश पर कालियानाग यमुना छोड़कर जाने लगा, लेकिन वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर जैत गाँव में कालियानाग ने पीछे मुड़कर देखा और वहीं पर कालियानाग पत्थर का बन गया। वृंदावन निवासी बृजला ने बताया कि भगवान कृष्ण ने कालियानाग को यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही भगवान ने कहा था कि जाते समय वे पीछे मुड़कर ना देखे, लेकिन कालियानाग ने कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा और वे पत्थर का बन गया। जैत गांव में आज भी पत्थर का कालियानाग मौजूद है, जहां पर उनका एक मंदिर भी स्थित है। दोस्तों एक मान्यता के अनुसार एक बार कुछ अंग्रेज इस मंदिर में आए थे और उन्होंने इस कालियानाग को तोड़ने का प्रयास किया था, यानी कि इस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया था। ये भी माना जाता है कि उस समय कालियानाग के पत्थर से खून बहने लगा था और वो खून देखकर अंग्रेज लोग डरकर भागने लगे थे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये कहानी सच्ची है या झूठी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हजारों साल पहले घटी हुई घटनाओं के प्रमाण आज भी मौजूद है।